नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सऊदी अरब इस्लामिक देश जहां इस्लाम की जड़ें सबसे मजबूत हैं। सऊदी में मक्का मदीना एक ऐसी जगह है जहां गैर मुस्लिम को जाने की जरा भी इजाजत नहीं। अगर कोई वहां जाते हुए पाया भी गया तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन जिस देश में इस्लामिक की जड़ें इतनी मजबूत हैं, जहां अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करने की इजाजत नहीं, उसी सऊदी अरब के एक शेख ने बड़ा संदेश दिया है। संदेश है कट्टरपंथियों को, लारेब हाशमी जैसे कट्टरपंथी जो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, इस्लाम के नाम पर जिहाद करते हैं, कत्लेआम करते हैं, दहशत फैलाते हैं और धमकी देते हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को दुबई से आए डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने इस काम से तगड़ी लताड़ लगाई है। दरअसल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला दुबई से सीधे भारत आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने। जी हाँ, दुबई के बड़े व्यवसायी और दर्जनों कंपनियों के मालिक डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे और बाबा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ी बात भी कही। पर्ची वाले बाबा बागेश्वर धाम की ख्याति अब देश दुनिया तक पहुंच गई है। बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते रहे हैं। दुबई के एक शेख बाबा के दर्शन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल्ला पहले दिल्ली आए और वहां से गुजरते हुए खजुराहो के गड़ा गाँव पहुँचते हैं। इसे लेकर उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ का फोटो भी प्रसारित किया है, जिसमें वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नजर आ रहे हैं। इस संबंध में बागेश्वर धाम से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल्ला धीरेन्द्र शास्त्री जी के लंबे समय से मुरीद हो गए हैं, जिनकी कथाएं वह इंटरनेट पर मीडिया पर सुनते रहे हैं। अब आशीर्वाद पाने के लिए दुबई से गड़ा गांव तक आ पहुंचे, जहां उन्होंने उनके दर्शन किए। इस तरह से डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने बड़ा संदेश दिया है उन कट्टरपंथियों को जो एकदम से सभी एक धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, एक धर्म को उसके दुष्प्रचार उसका करने में लगे हैं, उसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर इस तरह से वो कत्ले आम करते हैं जो कि शर्मनाक है। और वही अब्दुल्ला लिबरल होकर उन्होंने किस तरह से दर्शन किया, मुलाकात की, ये अपने आप में ही बड़ा संदेश है। तो हमें किस साइड रहना होगा, ये हमें चुनना होगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।